नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। और अब बात नाग पंचमी की। उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के शिखर के मध्य स्थित नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पट नाग पंचमी पर शुक्रवार रात 12 बजे खुले। महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी ने पूजन अर्चन किया। करीब एक घंटे के त्रिकाल पूजन के बाद मंदिर में नाग चंद्रेश्वर की आरती की गई। मंदिर के पट शनिवार रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। मंदिर साल में एक बार ही 24 घंटे के लिए खुलता है। इस वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण नाग चंद्रेश्वर और महाकालेश्वर के दर्शन केवल वही श्रद्धालु कर पा रहे हैं जिन्होंने ऑनलाइन प्री बुकिंग कराई है। कोरोना के कारण इस वर्ष श्रद्धालुओं को शनिवार तड़के 5:30 बजे से प्रवेश दिया गया। हालांकि नाग चंद्रेश्वर मंदिर में तो प्रवेश प्रतिबंधित है, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए ओमकारेश्वर परिसर में एलईडी पर लाइव दर्शन की व्यवस्था की गई है। वहीं शनिवार को महाकाल मंदिर में नागपंचमी का पर्व मनाया गया। तड़के भस्म आरती के बाद भगवान महाकालेश्वर को शेष नाग धारण कराया गया। श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश और संघ द्वार की ओर से दिया गया। हालांकि दर्शनार्थियों को पूजन सामग्री दूध लेकर प्रवेश पर मनाही है। 11वीं शताब्दी के परमारकालीन इस मंदिर के शिखर के मध्य बने नागचंद्रेश्वर के मंदिर में श्वेत नाग विराजित भगवान शिव और पार्वती की यह दुर्लभ प्रतिमा है। साल में केवल एक बार ही खुलने वाले इस मंदिर के दर्शन के लिए हर साल करीब 2-3 लाख भक्त आते हैं। मान्यता है कि भगवान नागचंद्रेश्वर की सदुर्लभ दर्शन से काल सर्प दोष का भी निवारण होता है। वहीं ग्रह शांति सुख समृद्धि और उन्नति के लिए भी लाखों श्रद्धालु नागचंद्रेश्वर के दर पर मत्था टेकने पहुंचते हैं। नागपंचमी के दिन महाकाल मंदिर के शिखर के मध्य में स्थित नाग चंद्रेश्वर के दर्शनों के लिए लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन इस साल कोरोना के कारण भक्तों को अपने आराध्य से सीधे दर्शन नहीं हो पाए। इसके लिए उन्हें अगले साल तक का इंतजार करना होगा। भगवान नाग चंद्रेश्वर के इस दुर्लभ दर्शन को पाने की चाह में बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष सभी घंटों लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते थे, लेकिन इस बार मंदिर में भक्तों की आवाजाही नहीं के बराबर है। हालांकि मंदिर प्रशासन ने लाइव दर्शन की व्यवस्था की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।